चलिए पॉइंट नंबर सात, उससे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था, नंबर दो, नंबर तीन तब्दील परिमान, नंबर चार आखिर परिमान, नंबर पांच अमलुस सौले, नंबर छह सलाह, नंबर सात। साइकैट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जब बहुत टेंशन हो जाए किसी ऐसे को पकड़ो जो सुनता ज्यादा हो बोलता कम हो, उसको जाके अपना प्रॉब्लम बताओ, इससे टेंशन हल्का होता है बोलते हैं। लेकिन जिसको भी बता रहे हैं उसको खुद के टेंशन है, हाँ भाई उसको बता रहे हैं उसको खुद के टेंशन है। कितने लोग बोलते हैं कि मैंने फला को बताया उसने मेरे खिलाफ ही इंफॉर्मेशन बाद में यूज कर ली, ऐसे भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स गलत इंफॉर्मेशन गलत बात बोल दे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। कभी रात के बीच में टेंशन हो गया, एक दो बजे टेंशन हो गया, नींद ही नहीं आ रही, करवट पलट रहे, किसको फोन करके बोलेंगे वो टाइम पे, हाँ। लेकिन कोई ऐसा है जिससे हम किसी भी टाइम हम कलाम हो सकते हैं, उसको अपने प्रॉब्लम किसी भी वक्त बता सकते हैं, कोई ऐसा है? और हमारा पॉइंट नंबर सात क्या है, दुआ, अल्लाह से दुआ करना, हाँ अल्लाह से दुआ करना। और मेरे भाइयों बहुत से लोग दुआ करना छोड़ देते हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों ये बताओ कि दुआ करने के लिए वजू जरूरी है कि नहीं? नहीं, कोई भी टाइम दुआ कर सकते हैं आप, हाँ। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानिही, सही मुस्लिम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को हर हाल में याद किया करते थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान कर रही हैं। इशारा है इसमें, वजू है तो बेहतर है, नहीं हो तो भी दुआ कर सकते हैं। अच्छा, दुआ करने के लिए किबला रुख होना जरूरी है? हाँ, आप रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते टेंशन हो गया, अल्लाह से बात कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, हाँ। दुआ करो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, हाँ अल्लाह से मांगो और जिद से मांगो। देखिए दुआ में क्या होता है ना, बहुत से लोग हैं ना शक व शुबहात में पड़े आते हैं, बोलते हैं मिलता तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करके देखता हूँ, हाँ। तो क्या है, हदीस एक आई थी ना पहले, जैसे बंदा मेरे बारे में सोचता है वैसे ही करूंगा उसके साथ, अल्लाह ताला ने बताया। अगर अच्छा सोचेगा तो अच्छा करूंगा, बुरा सोचेगा तो बुरा करेगा अल्लाह ताला। तो वो कह रहा है शख्स के मिलता तो नहीं है, नहीं मिलेगा, देता तो नहीं है, नहीं देगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह के बारे में क्या सोच के दुआ करेंगे, जिद से। अच्छा, मांगे 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 नहीं मिला अभी, हाँ मांगो कोई वो बात नहीं। अच्छा, आपको पता है कोई भी दुआ वो नहीं होती है यूजलेस, पता है आपको? या तो अल्लाह ताला वो चीज दे देता है या कोई और परेशानी आने वाली थी वो चीज अल्लाह ताला टाल देता है। अब एक शख्स से मांग रहा है अल्लाह मेरे 500 की नोट कन्वर्ट हो जाए, हाँ, और अल्लाह ताला चाह रहा है कि उसे कोई बहुत बड़ा फायदा मिले, हाँ अल्लाह जानता है कि एक्सटेंशन मिलने वाला है, पता नहीं हमें, ओके अल्लाह के इल्म में है वो चीज, हाँ। तो मेरे भाइयों यहां क्या मसला है ना, हम लोग है ना टाइम फ्रेम नहीं दे कि अल्लाह अभी दे ना तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला के पास दुआ में जल्दी नहीं करना चाहिए, ये जब बोलते हैं ना कि अल्लाह मांगा अल्लाह ने दिया नहीं तो अल्लाह कोई बहुत नापसंद है। तो दुआ करो अच्छे, दुआ के भी आदाब के ताल्लुक से अलग होना चाहिए, हाँ, ताकि ये सब में जो गलत फहमियां है ना वो ना रहे। दुआ के अंदर अल्लाह ताला से जिद से मांगो, यकीन के साथ मांगो, उदुल्लाहा वांतुम मुकिनूना बिल इजाबा, अल्लाह से मांगो इस यकीन के साथ कि अल्लाह देगा। और अगर अल्लाह नहीं दे रहा है ना तो भी उस पर शुक्र, क्योंकि वो और अच्छा है तुम्हारे लिए कि नहीं दिया, वो अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। तो अल्लाह से मांगो यकीन के साथ, होता ही है। अब मिसाल के तौर पर कुछ नहीं तो निकियां बन के वो जमा हो जाएगा, अब आखिरत में एक शख्स पहुंचा, ये सारी दुआएं तुमने की थी ये यहां मिल रही है तुम्हें, कल वहां काम आ गई उसे, तो वो समझा के नहीं मिला। अगर ये बोले कि नहीं मिला तो वो वहां का भी कैंसिल, अल्लाह के बारे में गलत गुमान करेंगे ना तो फेल ही फेल है, अल्लाह के बारे में गलत सोचना ही नहीं। देखो इसीलिए अल्लाह कौन है ये मालूम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो पॉइंट नंबर सात क्या है, दुआ।